तो यार हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली ये भी विंडोज़ की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पर ये बिल्कुल फ्री है तो यार लेट स्टार्ट। तो यार स्टार्ट लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही पॉपुलर वर्जन है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके सोर्स कोड इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है इसके साथ ही आप इसे बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरह से फ्री है तो यार रिनक्स ओ एस ओपन सोर्स होने के कारण इसे डेवलपर्स अपने ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके साथ ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है तो हम इसके कुछ स्पेशल इस फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इसे बेहतर बनाती है सबसे पहले पोर्टेबल पोर्टेबिलिटी का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर सभी तरह के हार्डवेयर में सिमिलर टाइप से चल सकता है लीनक्स कर्नर और एप्लीकेशन प्रोग्राम सभी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं अब हम बात कर लेते हैं ओपन सोर्स की तो यार सेकंड है ओपन सोर्स लिनक्स सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल हैं ये एक कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेशन करके इस पे काम करते हैं जिससे इसकी कैपेसिटी को इन्हानस किया जा सके तो यार थर्ड है मल्टीपल यूज़र तो लिनक्स एक मल्टी यूजर सिस्टम है जिसका मतलब यह है कि मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम में इसका सभी सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मेमोरी रैम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फिर फोर्थ है मल्टीपल प्रोग्रामिंग तो लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसका मतलब यह है कि मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ में रन हो सकते हैं वो भी एक ही टाइम में जैसे कि आप विंडोज में करते हो मिनिमाइज़ करके अब हम इसके सबसे स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं जो कि है सेल तो लिनक्स एक स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में काम आता है तो आप बेसिकली इसे टर्मिनल के नाम से भी जानते होंगे ये मैक में भी होता है तो हम बात करेंगे कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे कुछ पॉपुलर हैं लाइक ओवन टू लिनक्सड एंटरप्राइज सेंटोएस फेडोरा तो यार आप लोगों ने इनमें से बहुत से डिस्टोज़ का नाम सुना होगा जैसे वन टू रिनक्स मिनट तो ये सब डिनक्स की डिस्टोज़ हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो कुछ यूज़र फ्रेंडली और कुछ हाईडी प्रोफेशनल है तो लोग अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं तो यार नेक्स्ट वीडियो में रिनक्स के डिस्ट्रोज के बारे में और बताएंगे उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो तब तक के लिए स्टे सेफ